Hello students, good morning to all of you. My name is Sima Sharma. Welcome to our English class. Today I am going to start class 12th, chapter number 8, that is Going Places from Flamingo Book. आज जो है हम गोइंग प्लेस चैप्टर नंबर 8 जो हम रीड करने जा रहे हैं तो बिफोर स्टार्ट रीडिंग जस्ट आई वांट टू टेल यू द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर एंड देन आई विल डिस्कस सम की पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर. So in this chapter that is written by the A.R. Barton. A.R. Barton is a very famous writer and he writes in English. वो English के अंदर लिखते हैं. ये जो आपका जो chapter है that is going places. In this chapter A.R. Barton just explain the fantasizing. Fantasizing of a girl that is named Sophie. In short we can say Soph. तो ये जो पूरी की पूरी जो story है that is based on the Sophie, a girl that is a daydreamer girl. ड्रीमर गर्ल है जो दिन में सपना देखती है. तो फैंटेसाइजेस के ऊपर और एडोलेसेंट जो टीनेजर होती है उसके ऊपर जो है वो ए आर बार्टन ने जो है वो इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है गोइंग प्लेसेस. ओके लेट्स हैव द कैरेक्टर्स. द फर्स्ट कैरेक्टर इज सोफी दैट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अवर चैप्टर. सोफी इन शॉर्ट वी कैन सी द सोफ. सोफ वर्ड इज यूज इन द बुक सो यू कैन चेक आउट. सोफी इज अ डे ड्रीमर गर्ल. वो एक जो है वो डे ड्रीमर गर्ल है. दिन में सपना देखती है और अपने ही सपनों की दुनिया में जो है वो खोई रहती है. नेक्स्ट कैरेक्टर इज जेंसी. तो जो जेंसी है जेंसी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सोफी. एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर इज डैनी कैसी. डैनी कैसी वो एक सेंट्रल कैरेक्टर आएगा यहाँ पे जिसके सपनों की दुनिया में जिसको देखकर जिसके बारे में सोचकर जो है वो सोफी खोई रहती है जिसके बारे में जो सपना देखती है वो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो है डैनी कैसी. डैनी कैसी जो है वो आयरिस जो है वो फुटबॉल प्लेयर है ये और जो है यूनाइटेड के लिए खेलता है. जियोफ जो है वो दैट इज द एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी. वो सोफी का जो है वो बड़ा भाई है एंड डायरेक्ट जो क्या है यंगर ब्रदर. तो यहाँ पे जो मेन जो कैरेक्टर है वो पांच यहाँ पे दिखाए गए हैं. इन्हीं पांचों कैरेक्टर के साथ जो चैप्टर को जो रीडिंग स्टार्ट करेंगे. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इट्स रीडिंग आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर और वी कैन से शॉर्ट समरी. द फर्स्ट पॉइंट इज सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स. तो जो सोफी और जो जेंसी है वो क्या है क्लासमेट्स हैं. मतलब एक ही क्लास में पढ़ती हैं और वो क्या है बेस्ट फ्रेंड्स हैं. सोफी वाज अ डे ड्रीमर गर्ल. एज आई टोल्ड यू जो सोफी है जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है चैप्टर का दैट इज डे ड्रीमर गर्ल. वो एक डे ड्रीमर में सपना देखने वाली लड़की है. जेंसी वाज अ प्रैक्टिकल गर्ल. लेकिन जो जेंसी है वो क्या है प्रैक्टिकल गर्ल है. वो प्रैक्टिकल चीजों के बारे में सोचती है. कहने का मतलब है कि दे बिलोंग टू अ पुअर फैमिली. वो दोनों के दोनों जो है सोफी और जेंसी वो एक पुअर फैमिली से बिस्किट फैक्ट्री के अंदर काम करने वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है दैट इज टोटली डिफरेंट. क्योंकि सोफी जो है वो क्या करती है दिन में सपना देखती है. दिन में सपने देखती है कि आज मैं ये करूँगी आज मेरा बुटीक होगा मेरे पास इतना मनी होगा इतना पैसा होगा. ऑन द अदर हैंड जो जेंसी है वो अभी क्या है प्रैक्टिकल गर्ल है. वो प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोचती है कि वट वी हैव नाउ अभी हमारे पास वो क्या है एंड वट वी कैन डू हम क्या कर सकते हैं. एंड दे बिलोंग टू अ पुअर फैमिली. दोनों की दोनों जो लड़कियां हैं वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं. सोफी थिंक्स एज इफ मनी ग्रोज ऑन ट्रीज. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था डेड्रीमर गर्ल है तो उसका क्या सपना है कि सोफी ये सोचती रहती है कि मान लो पैसे जो है वो पेड़ पर उगते हों पेड़ पे उग रहे हैं और उसको जो है वो उठा रही है वहां से और अपने ड्रीम्स को क्या कर रही है फुलफिल कर रही है. जियो द एल्डर ब्रदर ऑफ सोफ. जो जियो है वो एल्डर ब्रदर है सोफ का एंड एन अप्रेंटिस मैकेनिक. ही जस्ट पास आउट अभी वो पास आउट हुआ है और एक अप्रेंटिस मैकेनिक है. द वर्ड अप्रेंटिस का मतलब होता है एक लर्निंग मैकेनिक जो अभी अभी सीख रहा है लोग जिसके ऊपर जिसको जो है वो कम वेतन दिया जाता है उसको हम बोलते हैं अप्रेंटिस मैकेनिक. और वी कैन से लर्निंग अभी जो अंडर जो ट्रेनिंग के अंदर काम कर रहा है. क्लियर. डैनी कैसी जो वो एक फेमस फुटबॉल प्लेयर है जो आयरिश फुटबॉल प्लेयर को कह सकते हैं यहाँ पे और ये जो है वो यूनाइटेड के लिए खेल रहा है. तो ये जो कहानी है ये पूरी की पूरी जो उस डे ड्रीम के ऊपर है. जो सोफी है वो डैनी कैसी के बारे में जो वो सारा दिन सोचती रहती है कि मैं उससे मिली थी. क्योंकि पूरी की पूरी जो फैमिली है ये जो पूरी की पूरी फैमिली है जैसे सोफी है डैनी कैसी है जियो है और डैरिक है. ठीक है ये तो फ्रेंड हो गई तो इसको हमने बाहर निकाल दिया. तो सोफी डैनी कैसी जियो डैरिक एंड हिज फादर. उसके जो फादर है वो पूरी की पूरी जो फैमिली है वो जो है डैनी कैसी क्या है बिग फैन है बहुत मतलब बहुत चाहते हैं इसको बहुत अच्छा खेलता है ये. तो यहाँ पे जो सोफी है वो डैनी कैसी के बारे में सारा दिन सोचती रहती है
अभी हमने देखा कि कुछ की पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. सो टेक आउट योर बुक एंड ओपन इट. जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विट्स रीडिंग. स्टार्टेड. ए आर बार्टन इज अ मॉडर्न राइटर. एक मॉडर्न राइटर है हु लिव्स इन जोर्ड एंड राइट्स इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में राइट करते हैं. इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, ये जो स्टोरी है आपकी गोइंग प्लेसेस, द बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलेसेंट. एडोलेसेंट क्या होती है? टीनेजर होती है. ठीक है. फैंटेसाइजिंग एक जो है वो इमेजिनेशन के ऊपर, जो है वो कल्पना के ऊपर, ये जो है पूरी की पूरी क्या है, कहानी है. इमेजिनेशन, जब आप एक सपनों की दुनिया के अंदर खो जाते हैं तो उन्होंने जो यहाँ पे एक्सप्लोर किया है इमेजिनेशन के ऊपर. एंड हीरो वर्शिप, एक जो है आइडिया सेट किया है, एक थीम सेट किया है, किस तरह से वो एक्सप्लेन करेंगे अपनी स्टोरी के अंदर. लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग. व्हेन आई लीव, सोफी सेड कमिंग होम फ्रॉम स्कूल. तो यहाँ पे देखिए जो आई वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे जो है वो सोफी के लिए यूज किया गया है. व्हेन आई लीव, सोफी सेड कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक. एज आई टोल्ड यू कि वो एक डे ड्रीमर गर्ल है, तो फर्स्ट लाइन के अंदर ये जो वो कैसे स्टार्टिंग की गई है कि वो जो है वो बाय बाय करते हुए जा रही है. सोफी ने क्या कहा, जो इशारा कर रही है सोफी ने, जो वो स्कूल से घर की जाते हुए और इशारा किया और कहा कि आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक. मैं जो है वो क्या करने जा रही हूँ, अपना एक बुटीक ओपन करने जा रही हूँ. ठीक है. जेंसी, जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल. यहाँ पे जो है वो जेंसी का जो है कंसेप्ट आ गया नेक्स्ट लाइन के अंदर. जो एक प्रैक्टिकल लड़की है उसने क्या कहा कि लिंकिंग आर्म विद हर अलोंग द स्ट्रीट, तो गली में जो है वो उसके हाथ को पकड़े हुए, ठीक है, थोड़ा सा डाउटफुल नजरों से उसने क्या कहा, टेक्स मनी सॉफ्ट समथिंग लाइक दैट. उसने कहा कि टेक्स मनी, पैसा चाहिए, सोफ. सोफ मैंने आपको पहले बता दिया था, आपका जो वो सोफ है वो सोफे के लिए यूज़ किया गया यहाँ पे. तो कहती है कि देखो कोई भी जो चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम कोई सपना देखते हैं, कोई ड्रीम देखते हैं, तो वी जस्ट नीड मनी, हमें जो वो पैसे की जरूरत होती है. आई विल फाइंड इट, सोफी सेड. यहाँ पे सोफी ने कहा कि आई विल फाइंड इट, मैं इसको जो फाइंड आउट कर लूँगी, मैं इसको ढूंढ लूँगी. स्टेइंग फार डाउन द स्ट्रीट, धीरे धीरे जो वो गली से दूर जाते हुए, जो उसको देखते हुए, बाय बाय करते हुए उसने उसको ये बात कही. टेक यू ए लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच. तो यहाँ पे इसने कहा इतना पैसा बचाने के लिए काफ़ी समय लगेगा, मतलब बहुत टाइम लगेगा इतना सारा पैसा इकट्ठा करने के लिए, उसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए, क्योंकि अगर बुटीक ओपन करना है तो बुटीक के लिए ऑब्वियसली बात है वी जस्ट नीड लॉट्स ऑफ मनी. वेल आई विल बी अ मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स टू बिगिन विद. अब यहाँ पे जो है आई विल बी अ मैनेजर. यहाँ पे जो है वो सोफी क्या कह रही है कि मैं जो क्या बन जाऊँगी, देखो डे ड्रीमर है वो, तो दिन में सपना देख रही तो वो कुछ भी बन सकती है. तो वो कहती है कि वेल चलो ठीक है, मैं जो है एक मैनेजर बन जाती हूँ, एंड देन ऑफ कोर्स टू बिगिन विद, और इसके साथ जो है वो स्टार्ट करूँगी, मतलब अपना जो करियर है वो कहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं मैनेजर के साथ. तो यहाँ पे जो उसका जो फर्स्ट फ्रेम के अंदर एक वर्ड आ गया आपका मैनेजर. तो उसने कहा कि वो किसी बात में मैनेजर के पास बहुत सारा पैसा होता है, तो वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेगी, तो मेरा जो फर्स्ट प्रोफेशन होगा वो क्या होगा, मेरा मैनेजर होगा. यहाँ पे सोफी ने कहा ऑफ कोर्स टू बिगिन विद टिल आई गॉट इनफ, ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तब तक, बट एनीवेज आई नो जस्ट हाउ इट इज ऑल गोइंग टू लुक. तो मतलब मैं जानती हूँ कि ये सब कैसा दिखाई देने वाला है, मतलब अपने फ्यूचर को जो क्या करिए, प्लान कर रही है, अपने भविष्य को देख रही है यहाँ पे, ठीक है. देन वुडंट मेक यू मैनेजर स्टेट ऑफ सॉफ्ट. तो यहाँ पे इसने जो वो तुम्हें जो कोई भी डायरेक्ट कंपनी में जाके तुम्हें जो ना वो मैनेजर के पोस्ट पे नहीं बिठा देगा सॉफ्ट, तो तुम जो है दिन में सपना देखना बंद करो. ये जो लाइन है यहाँ पे कोट किया है किसने, जेंसी ने कोट किया है सॉफ्ट के लिए, कि तुम अगर किसी भी कंपनी में जाओगे तो जाते ही तुम्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाएगी मैनेजर को, उसकी पोस्ट के लिए भी तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. क्लियर दिस थिंग. आगे देखिए क्या कहा गया है, आई विल बी लाइक मैरी क्वाइन. अब यहाँ पे देखिए एक और जो वर्ड आया है दैट इज मैरी क्वाइन. मैरी क्वाइन जो है एक फेमस वो फैशन डिजाइनर है, उसके बारे में बताया गया है. तो यहाँ पे जो है वो जेंसी जो सोफी है वो क्या कह रही है, दैट आई विल बी लाइक मैरी क्वाइन, मैं मैरी क्वाइन की तरह बन जाऊंगी, मतलब एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी. सोफी सैड आई विल बी अननेचुरल, मैं मतलब नॉर्मल बनूंगी, मैं किसी को इसके लिए जो है किसी को प्रेशराइज करने की या फिर मुझे जो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं नेचुरली हूँ और मैं जो है वो इतनी सुंदर जो वो एक फेमस डिजाइनर बन जाऊंगी. दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार. तो यहाँ पे जो वो क्या कहता है कि मैं इसे जो है वो आरंभ में ही, मतलब स्टार्टिंग के अंदर ही देखेंगे क्या करना है. आई हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी एवर सीन. तो मैं जो है वो इतनी सुंदर दिखने वाली, बहुत ही सुंदर दिखने वाली जो है वो एक शॉप जो है वो इस शहर के अंदर जो वो स्टार्ट करूँ, जिसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनर जो क्या होंगे, कपड़े होंगे, क्योंकि वो किसकी तरह बनना चाहती हैं, लाइक मैरी
मैरी क्वेंट अगर बनना चाहती है जो एक फेमस डिजाइनर है, तो ये वर्डिंग इसलिए है, ये वर्डिंग है सोफी की, और वो किसको बता रही है, वो जेंसी को एक्सप्लेन करके बता रही है, ठीक है। नेक्स्ट कपल, नेक्स्ट एंजॉय, जेंसी नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क्ड, ईयर मार्क का मतलब यहाँ पे होता है रिजर्व, ईयर मार्क मीन्स रिजर्व। जब आप किसी चीज के लिए जो है रिजर्व हो जाते हैं, फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, बिस्किट फैक्ट्री यहाँ पे जो क्या है उनका फ्यूचर दिखाई दे रहा है, बिस्किट फैक्ट्री को यूज किया गया है फ्यूचर के लिए। उसने ये कहा है कि जेंसी नोइंग मतलब जानती है सपोज दैट दे वर बोथ ईयरमार्क्ड, वो जो रिजर्व हो चुके हैं फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, उनको पता है कि जैसे उनकी स्टडी कंप्लीट होगी उनको भी जो है उनके फैमिली के प्रोफेशन की तरह जो किसके अंदर डाल दिया जाएगा, बिस्किट फैक्ट्री के अंदर डाल दिया जाएगा। बिकेम मैक्रोजी, मैक्रोजी जो यहाँ पे जो वो सैडनेस के लिए यूज किया गया है उदासी के साथ, जो उसने कहा कि हमें पता है कि हमारा जो वो फ्यूचर जो वो क्या होने वाला, हमारा भविष्य क्या होने वाला है, सपने देखना तो क्या है बहुत दूर की बात है, आप सपने देख तो सकते लेकिन उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। शी फेस्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स, तो यहाँ पे जो वो जेंसी लाइन जो वो कोट करते हुए कहा है, शी विस्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स, जो वो सोफी इस तरह की बातें उसे ना ही कहें तो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी फैमिली में उसकी बातों पे कोई ट्रस्ट करने वाला नहीं है। When they reach Sophie Street, Jency said, जैसे ही वो Sophie की जो गली में पहुंचते तो Jency ने क्या कहा, It is only a few months away now, Soph, मतलब कुछ ही जो है वो महीनों की दूरी पे है Soph, You really should be sensible, तुम्हें जो है वो sensible हो जाना चाहिए, भी बहुत ही कम टाइम बचा है हमारे पास, हम पास आउट हो जाएंगे और हमें पता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो कहाँ होने वाला है, बिस्किट फैक्ट्री के अंदर, क्लियर। इसी जो उनका जो वो फोर फादर्स होते थे, उनके जो एंसेस्टर होते थे वो इसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे और उनको पता है उनका जो आने वाला जो टाइम है वो भी यहीं पे स्पेंड होने वाला है, तो यू शुड बी सेंसिबल, तुम्हें जो वो सेंसिबल बनना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे। दे डू नॉट पे वेल फॉर द शॉप वर्क, यू नो दैट यूर डैड वुड नेवर अलाउ इट, यू डू नॉट पे वेल, तो तुम्हें जो है वो यहाँ पे तुम्हें परमिशन नहीं देंगे तुम्हारे फादर, तुम अच्छे से जानते हो, यू नो दैट यूर डैड वुड नेवर अलाउ इट, तुम्हारे जो फादर इस बात के लिए तुम्हें भी जो हो दुकान के लिए परमिशन नहीं देंगे। दुकान यहाँ पे वो वाली दुकान नहीं है बिस्किट फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले हैं, यहाँ पे जो शॉप है ना वो बताया गया है कि वो एक बुटीक खोलने वाले हैं, जैसे उसने कहा था कि मेरी पॉइंट है मैं जो है बहुत सिटी के अंदर जो बहुत बड़ी शॉप खोलने वाली हूँ, तो ये उस शॉप की बात करें कि तुम्हारे फादर जो हो तुम्हें वो शॉप कभी भी अलाउ नहीं करेंगे खोलने के लिए, सो यू शुड बी सेंसिबल, तुम्हें जो सेंसिबल होना चाहिए और अपनी सेंस से काम लेना चाहिए, दैट वी हैव वेरी फ्यू डेज, हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, बिकॉज योर फादर वुडंट नेवर अलाउ इट, तुम्हारे फादर इस बात के तुम्हें कभी भी अलाउड नहीं करेंगे। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।